हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सो कल हमने कट ऑफ डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का फॉर द री एग्जाम 2024। उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि मैम अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, अभी कोई भी अगर आपको आंसर करेगा वो बेस्ड होगा ऑन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि सिवाय एनटीए के ऑफिशियल्स के और यूजीसी के ऑफिशियल्स के कोई भी एजुकेटर आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि 15 दिन के बाद डिक्लेयर होगा या 10 दिन के बाद डिक्लेयर होगा। हाँ, हम अपना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, हम अपनी हाइपोथेसिस जरूर फ्रेम कर सकते हैं, एंड गोइंग बाय माय पर्सपेक्टिव, मेरा मानना है कि 50% चांसेस हैं कि जब सभी फेजेस में जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी प्रोफेशनल आंसर की नहीं आती और वो चैलेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट जब तक नहीं होते, उसके बाद ही उसके विद इन 3 to 4 days आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और बाकी 50% चांसेस ये हैं कि यू नेवर नो विद एनटीए, दे आर सो अनप्रेडिक्टेबल, हो सकता है ये सभी फेजेस के प्रोफेशनल आंसर की डिक्लेयर करने के पहले ही आपका जो फेज वन में जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे। So as I told you, the 50% chances, but मेरा मानना ये है कि they are going to wait for the provisional answer keys to be settled, and after that, within 3 to 4 days, they will declare your result. So बाकी देखते हैं NTA जो है वो कब final result declare करती है।